मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। गरम मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक इसकी खूब अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। आलू गोभी पालदा बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं। ये देखिए मसाले भून रहे हैं। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज जो कि हमने चॉप करके रखे थे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और ध्यान देना है कि ये ज़्यादा ना ब्लैक हो जाए। हमें सिर्फ इसे गोल्डन ब्राउन ही करना है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर। गैस हमें स्लो करनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी है वरना मसाले हमारे जल जाएंगे। धनिया पाउडर अच्छे से भूनना है और मैंने हींग भी थोड़ी डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग सारे मसाले डाल सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और आई गारंटी इट सारे घर वालों को पसंद आएगी। ये देखिए मसाले भुन गए हैं। मैंने इसमें गोभी डाल दी है और आलू डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। सारे मसालों को आलू और गोभी में मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर जूलियंस। जिंजर जूलियंस को बहुत ही पतले स्लाइसेस में काटना है और अब सब्ज़ी पकने के लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके चलाते जाना है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इतना पानी हमें सिर्फ डालना है जितने में सब्ज़ी पक जाए। अब पानी डाल दिया है सब्ज़ी बनने के लिए, मैं इसे ढक देती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर बाद सब्ज़ी हमारी, इसे देखेंगे आलू गल गए हैं। ये कम से कम आपका टाइम लेगा 10 मिनट। अब मैं इसमें चावल का और हरी इलायची का पेस्ट डाल रही हूँ। चावल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। 2 चम्मच चावल है, 2 चम्मच चावल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। फिर उसे हरी इलायची के पाउडर के साथ पीस लिया है। दही डाल रही हूँ मैं 1 कप। दही हमें खट्टी वाली नहीं यूज़ करनी है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। अब इसे पूरी सब्ज़ी में मिक्स करेंगे। दही हमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, दही चावल का पेस्ट और नमक हमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालना है जब सब्ज़ी हल्की पकने को बची हो, पूरी गल जाए। अब उसे अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे जिसमें जो मैंने चावल का पेस्ट डाला था वो नीचे जले ना, और इसे 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए हमारी गोभी आलू पालदा तैयार है। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल देसी क्विक।